यह जो तस्वीरें आप देख रहे हैं थावे प्रखंड की है। यह चौराहा पंचायत वैसे तो मुस्लिम बहुल पंचायत है, लेकिन यहाँ की बड़ी आबादी बाहर में काम करती है। कोरोना महामारी की वजह से देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई। इस लॉकडाउन की वजह से इस पंचायत के युवा न तो गांव से बाहर जा सकते थे और न ही बाहर के युवा इस गाँव में वापस लौट सकते थे। लिहाजा इस गाँव के युवाओं ने पीएम मोदी की अपील के बाद अपने गांव के सभी बिजली के पोल की रंग रोगन शुरू कर दी। मेरा नाम इश्तियाक अली, मैं यहां का निवासी हूं। अभी फिलहाल हम लोग अपना अपने पैसे से कुछ पोल रंग रहे हैं और आगे भी लाइट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सब मिलकर अपने में एकजुट होकर लाइट लगाने का एक कर रहे हैं हम लोग। आप लोग कितने दिन से काम कर रहे हैं आप अपने गाँव में? यही एक दो हफ्ता से कर रहे हैं। हाँ, जब से लॉकडाउन लगा हुआ है। हाँ, महीना से लॉकडाउन जब से लगा है तब से हम लोग काम पर लग गए हैं अपने से बनाकर खुद। आप देख सकते हैं कि कैसे इस पंचायत के सभी बिजली के पोल को तिरंगे में रंग दिया गया है। इस गांव में प्रवेश करने वाले रास्ते पर वेलकम गेट बनाया गया है। इस वेलकम गेट पर ग्राम स्वराज की स्थापना के उद्देश्य लिखे गए हैं। गाँव की सड़कों के किनारे बने घास की सफाई की गई है, सड़कों की सफाई की गई है। ग्रामीणों के मुताबिक यहाँ कूड़ा फेंकने के लिए अलग से कूड़ेदान को रखा गया है। सभी बिजली के खंभे पर LED लाइट लगाए गए हैं। पता चलो कि चौराव गांव का 25 वर्षीय युवक महताब आलम ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से काम करने के लिए गांव से बाहर नहीं जा सकते थे। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर बनने की अपील की थी। इस अपील के बाद उन्होंने अपने पंचायत के 200 से ज़्यादा पोल की रंगाई की। वे सड़कों की सफाई कर रहे हैं और साथ ही चंदा के पैसे से सभी पोल पर LED बल्ब भी लगा रहे हैं। मेहता वाला मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। अब लोग गांव में क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अपने गांव के बेहतर बदलाव के लिए हम लोग लॉकडाउन में सोचे थे ऐसे बेकार बैठने से बेहतर है कि अपने गांव के लिए कुछ बेहतर किया जाए। तो हम लोग ने सोचा कि अब गाँव को कुछ अच्छा बनाना है, तो इसी पे पहल करते हुए हम लोगों ने अभी बिजली के 224 खंभे को फिलहाल कलर किया हुआ और पूरे तिरंगे कलर में रंगाई किया हुआ। उसके बाद से फिर हम लोगों ने सफाई पर कार्य कर रहा। इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसमें किसी का ये पर्सनली फंड या कुछ फंडिंग वंडिंग का ऐसा कोई मामला नहीं है। इसमें सब लोग श्रमदान करके खुद अपने से अपने अपने आप खुद श्रमदान करके इसमें आगे आकर अपने गांव को बेहतर बनाने के लिए सब काम कर रहे हैं मिलजुल कर। मार दो मार दो नहीं थे।